नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। साथियों, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। केवल शिक्षा मित्र ही नहीं बल्कि जितने भी अनुदेशक या फिर नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थी हैं, आपके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि साथियों, हाल ही के अंदर एक नई आवाज आप सभी को मिल चुकी है, एक नया साथ आप सभी को मिला है। किनका साथ आप सभी देख सकते हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा एक आवाज उठाई गई है शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे छात्रों के लिए। उनके द्वारा कुछ संदेश भी दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है उनके द्वारा, ये सारी बातें आगे वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। और आप सभी के लिए लगभग 2 से 3 अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों, चलते हैं अपडेट पर। पहली अपडेट खुलकर आ चुकी है जहां पर आप देख लें अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा आवाज उठाई गई है। आवाज किनके लिए उठाई गई है, आप यहां देख लें। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, होमगार्ड और नई शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए 22 घंटे पहले ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप देख लें एक ट्वीट किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं दीपावली में 1 माह शेष है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और होमगार्ड आदि को सम्मानजनक मानदेय तथा रुकी हुई भर्ती में गति, नई शिक्षक भर्ती की घोषणा, ये कुछ कदम उठा लिए जाए तो लाखों हताश निराश परिवारों की देहरी पर भी दीपोत्सव मन जाएगा। यानी कि साथियों, जितने भी मुद्दे इनके द्वारा कहे गए हैं, अगर केवल इन्हीं मुद्दों के ऊपर घोषणा की जाए तो जाहिर सी बात है जो पीड़ित वर्ग हैं उन्हें थोड़ी बहुत सहानुभूति जरूर मिल जाएगी। इनके द्वारा लगातार ये मुद्दा उठाया जाता है, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ हो, अनुदेशकों से जुड़ा हुआ हो या फिर अन्य पीड़ित वर्ग से जुड़ा हुआ हो, सारी बातें इनके द्वारा लगातार उठाई जाती हैं। और साथियों, कल की डेट में आपने देखा होगा कि न्यूज 18 के द्वारा भी आपके लिए एक वीडियो की क्लिप के माध्यम से एक सरकार से अनुरोध किया गया था कि बातचीत के माध्यम से इन सभी का जो मुद्दा है वो हल किया जाए। अब इसके बाद कुछ अपडेट्स हैं जो कि शिक्षा मित्रों के ही बीच में निकल कर आई है, जहां पर आप देख लें, यहां पर देख सकते हैं कि संदीप सिंह जी के द्वारा एक ट्वीट करके बताया गया था 19 घंटे पहले कि विधानसभा में जो कुछ भी सवाल पूछे गए थे उन पर एक बैठक आयोजित किया गया है, जहां पर आप देख लें विजय किरण आनंद जी जैसे सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। उसी के ऊपर आपके ही बीच से एक कमेंट आया है कि बाबूजी, कल्याण सिंह जी ने ही इस शिक्षा मित्र रूपी नर्सरी को 1999 में बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए लगाया था। तब ये लोग अपनी ग्राम पंचायत के टॉप मेरिट वाले नियुक्त हुए थे और आज ये BTC स्नातक और TET उत्तीर्ण भी हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। यानी कि इनके द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि अभी शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, शिक्षा मित्रों को क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो आखिर तब जब उन्हें शिक्षक की कमी के लिए रखा गया था, तब उनका जो क्राइटेरिया था वो उनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट में आता था, तो आज फिर दोबारा से छात्रों के द्वारा कंपटीशन क्यों करवाया जा रहा है, ये सारी बातें इनके द्वारा कही गई हैं जो कि बिल्कुल ही सत्य हैं। साथियों, इस वीडियो में आपके साथ यही दोनों अपडेट्स साझा करने थे। अपडेट्स आपको कैसे लगे आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।